सिंगला बैचेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका पार्ट नंबर टू। उसमें आज हम करेंगे रे डायग्राम्स, किसकी, कनकेव की और कन्वेक्स की। ठीक है, हम आज जो कनकेव और कन्वेक्स की मेनली क्या करेंगे, रे डायग्राम्स करेंगे। तो इसे करने से पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ रूल्स बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे आपको रे डायग्राम के, वो क्या थे मैं फिर से आपको बताता हूँ जस्ट ओवरव्यू के लिए। कि एस फर्स्ट क्या था, अगर लाइट आपकी क्या थी, पैरेलल थी, तो किससे पास करेगी, ठीक है, पास करेगी फोकस से पास करेगी। सेकंड, अगर लाइट पास कर रही है फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलर, अगर लाइट फॉल कर रही है पोल पे, तो वो पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये मेरे तीन जो पॉइंट्स थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किए थे। अगर आप चाहते हो तो उस पिछले वीडियो में आप जाके प्रॉपर इसको डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो जो आपकी रे डायग्राम सब मैं करने लगा हूँ, जैसे अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं कहा था जो इमेज होते क्या होती है, वो रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड द इरेक्ट। अब मिरर है मेरे पास, तो जैसे फर्स्ट मिरर क्या है, मेरा एग्जाम्पल है, मेरा क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक, अब ये था मेरा पोल, ये था मेरा फोकस, ये था मेरा सेंटर, यही था मेरा। तो जो इन पॉइंट्स के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेरी करेगी, तो जो इमेज होगी वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। मतलब जो आपकी पोजीशन है वो अगर वेरी कर रही है, तो जो इमेज है उसका नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेचर इन सेंस, वो स्मॉल बन रही है, लार्ज बन रही है, उसका रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, कैसी इमेज बन रही है। तो मेनली आज का ये मोटिव है आपको बताने के लिए कि कौन सी आप किस तरह की आपकी इमेज बनेगी। तो फर्स्ट केस करते हैं हम, केस नंबर वन। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट इज द केस वन, फर्स्ट इज क्या, केस फर्स्ट है व्हेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज कर सिंबल में ओ, फॉर ऑब्जेक्ट आई यूज अ सिंबल ओ। व्हेन ओ इज क्या होगा, लेट अस अज्यूम ये मेरा क्या है, एक पोल है, ये मेरा फोकस था, ये मेरा था सेंटर। फर्स्ट मान लिया, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्या आपका ऑब्जेक्ट अगर तो सी के साइड पे है, मतलब क्या है, इफ ओ इज बिफोर सी, सेंटर ऑफ पिक्चर से पहले पड़ा आपका, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसकी मैंने हाइट मान ली, हाइट मान ली उसकी, लेट अस अज्यूम एच वन हाइट है मेरी, डन। अब फर्स्ट केस क्या था, अगर लाइट जाएगी पैरेलल, तो किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये था आपका कि अगर लाइट आपकी क्या जा रही है, पैरेलल फोकस के आपसी पास कर जाएगी। अगर लाइट पोल पे फॉल कर रही है, तो वो पोल से क्या होगा, बैक कर जाएगी, सेम एंगल बनाते हुए। तो मतलब दो रे यहाँ पे अब क्या होगा, इंटरसेक्ट कर चुकी हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा एक इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, एक इमेज, लेट अस अज्यूम उस हेड कितनी है, एच टू। तो आपकी जो इमेज बन रही है, तो क्या होगा, देखो एक तो साइज आपका सर बड़ा बन रहा है, इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, एक तो ये रेज मीट कर रही हैं, अगर रेज मीट करती है, क्या कहते हैं हम, स्क्रीन पे रियल इमेज। ओके, ये कौन सी इमेज है, अब इस एक्सिस के नीचे बनी है, मैंने बताया था अगर ऊपर है तो आपका क्या है, इरेक्ट इमेज है, इधर क्या होती है आपकी, इन्वर्टेड, तो रियल इमेज बनी है और आपकी अब क्या बनी है, इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी इमेज क्या बड़ी है, बड़ी बनी है, तो मतलब आपकी इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, थोड़ी सी क्या है, बड़ी इमेज बन रही है। तो फर्स्ट केस क्या था, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी से पहले, तो क्या होता है आपका, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ये था मेरा फर्स्ट केस। सिमिलरली केस नंबर टू, केस नंबर टू, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट सी, अगर मैं
ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, केस नंबर टू में क्या हो रहा है, अब केस नंबर टू अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम पोल फोकस कर्वेचर, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, सी पे आ गया, कहां पे आ गया सी पे, तो सेम वही रे आई फोकस से पास कर दी, ठीक। सेकंड रे आई पोल पे फॉल की और पोल से क्या होगी निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी इमेज बनेगी ये वाली, ये एच वन ये एच टू, ठीक, वो भी क्या बनेगी सी पे ही बनेगी। सेकंड रे भी क्या होगी करेगी इंसेक्ट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होगा इंसेक्ट होगी, तो आपकी जो इमेज बनी वो भी क्या बनी है सी पे ही बन रही है, सी पे ही बन रही है। तो क्या होगा, जो आपका नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा सेम। अब एक तो रियल है वो पता है आपको कि लाइन मीट कर रही है स्क्रीन पे बन रही है, और सेकंड क्या होगा इन्वर्टेड। मेनली रियल इमेज हमेशा क्या होते हैं मिरर केस में इन्वर्टेड ही होती हैं, जो रियल होती है ऑलमोस्ट क्या होती हैं इन्वर्टेड ही होती हैं। अब ये क्या हुआ, जितना साइज एच वन का उतना कितना एच टू का, तो आपका क्या आ जाएगा ऑलमोस्ट सेम साइज आ जाएगा, ठीक, समझ लगी। तो नेक्स्ट केस बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट केस क्या होगा, केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री उसमें क्या है कि सेम पोल फोकस सेंटर। केस नंबर थ्री व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हुआ पोल की तरफ होगा, मतलब बिटवीन किसके हो गया सेंटर और फोकस के, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, मतलब यहां पे हो गया, कहीं भी आपका हो सकता है इन बिटवीन, कहां पे हो सकता है इनके हो सकता है इन बिटवीन, डन। तो सेम वही केस, रे पैरेलल आई किससे पास करेगी, बेचा मुझे पास करेगी फोकस से पास करेगी, रे आई फोकस से पास कर गई, ठीक। सेकेंड रे आई वही पोल से फॉल की, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है कुछ यहाँ पे मीट कर रही है, तो कहाँ पे मीट करेगी आपकी, यहाँ पे मीट करेगी इमेज, ठीक। तो ये हाइट एच वन, ये हाइट कितनी मेरी एच टू, तो आपका इमेज क्या होगी, फिर से क्या होगा, जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, एक तो क्या बन रही है रियल बन रही है, सेम इन्वर्टेड बन रही है, और देखो एच वन छोटा था एच टू काफी ज्यादा बड़ा बना मेरा, तो क्या होगी हाईली मैग्नीफाइड, क्या होगा हाईली मैग्नीफाइड, या सिंपल आप लिख सकते हो मैग्नीफाइड के बारे में लिख सकते हो। तो ये था मेरा केसेस तीन हो चुके थे, ओके लगे बता। तो मैं रेस करने लगा हूं, तो मेरे तीन केस हो गए हैं, अब मैं क्या करूंगा इमेज को फोकस पे ले आऊंगा। तो केस नंबर फोर में क्या होगा, केस नंबर फोर उसमें क्या करूंगा, मैं इमेज को ले आऊंगा जी फोकस पे ले आऊंगा, केस नंबर फोर, केस नंबर फोर। अब क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पहुंच जाएगा आपका, अब फोकस पे, सेम कनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। अब इमेज यहां पे आ गई, क्या इमेज कहां आ गई, व्हेन सॉरी ऑब्जेक्ट, सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, एट फोकस, कहां गया आपका, जब कहां गया फोकस पे आ गया। तो सेम वही लाइट अगर पैरेलल गई वो किससे पास करेगी आपकी, फोकस से पास कर जाएगी, लाइट गई फोकस से पास कर गई, लाइट पोल पे आई, ठीक है, तो आपका क्या होगा काफी ज्यादा दूर होके मीट होगी, देखो मीट हो रही है बट थोड़ा सा काफी दूर हो रही है, तो आपका जो इमेज होगी काफी ज्यादा बड़ी बनेगी। तो मतलब क्या होगा आपका कि जो इमेज हो रही है उसका नेचर क्या होगा, सेम वही नेचर रियल है इन्वर्टेड है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करें कि ये लाइट ऑलमोस्ट क्या जा रही है, ऑलमोस्ट क्या जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, ध्यान से देखो क्या जाएगी, इसके पैरेलल जाएगी, मतलब पता नहीं कहाँ पे मेरी इमेज बन रही है, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है मेरी, तो आपका जो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, तो यही होगा आपका कि पता नहीं ये कहाँ पे जाके मीट हो रही है, हो रही है बट क्या हो रही है, इन्फिनिटी पे जाके हो रही है, बिकॉज दोनों आपस में थोड़ी बहुत पैरेलल भी हैं बट क्या है थोड़ा सा डिवर्ज भी कर रही हैं, तो क्या होगा इन्फिनिटी पे आपका इमेज बन जाएगी। एंड फिफ्थ केस इज द
फिफ्थ केस सेम, अब हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को उठा के हम ले आएंगे जी फोकस से आगे, केस नंबर फिफ्थ, जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, क्या होगा, फोकस एंड पोल, सेम वही इमेज गई, इमेज ले गई मेरी, कहाँ से पास करेगी मैं, जब फोकस से पास करेगी, फोकस से क्या होगी वो पास कर गई, सेम जो पोल से गई वो क्या होगी, पोल से वापस होगी। अब क्या हो रही है, ये पहले ही डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, क्या वो कन्वर्जन हो रही, डाइवर्ज मतलब इनका मिलने की संभावना, मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो क्या करेंगे हम, जब इस रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, रे को एक्सटेंड किया मतलब आउट द दिस पोर्शन, वो क्या करी, मीट कर रही है, मतलब आपकी इमेज क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सी इमेज थी मेरी, ये थी मेरी वर्चुअल इमेज, और कौन सी सीधी बनी है, तो इरेक्ट इमेज एंड मैग्नीफाइड, इमेज इज द मैग्नीफाइड, गॉट इट। तो यही था मेरा केस नंबर 5, ठीक है, बात हम जस्ट अभी कनकेव की कर रहे हैं, ओके। लास्ट केस अब मेरा, लास्ट केस क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इन्फिनिटी में पड़ा है आपका, वही सेम पोल फोकस एंड सेंटर, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है जी, इन्फिनिटी में पड़ा, पता नहीं कहां पे है, रेस क्या आ गई, पैरेलल आ रही है, यहां से गई, मान लीजिए मेरी एक रे यहां से यहां निकल गई, एक रे अब कहां, इन्फिनिटी पता नहीं सोर्स कहां गया, एक रे लाइट यहां पे गई, फोकस से पास करके सेम ऐसा ही होगा। तो जो रे मीट कर रही है, कहां पे मीट कर रही है, वो फोकस पे, मतलब जो आपका इमेज बन रही है कहां पे बन रही है, वो फोकस पे। अब कौन सी इमेज है, वो रियल और है इन्वर्टेड है, बट उसका साइज क्या, जस्ट एक पॉइंट साइज है, तो उसका क्या होगा, साइज क्या होगा, बट पॉइंट साइज एट फोकस, फोकस पे वो बननी स्टार्ट हो चुकी है। ये था आपका केस, 6 केस बनते हैं आपके, किसके मेनली, आई थिंक 4, 5 and 6, यस केस नंबर 6। तो क्या हो रहा है आपका, ऑलमोस्ट 6 केस में क्या हो रहा है, एक कनकेव की रे डायग्राम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनसे रिलेटेड ही आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, इनसे रिलेटेड ही आपके क्या होंगे, आगे मिरर फॉर्मूला जो बनता है, मेनली आपका मिरर फॉर्मूला हम करेंगे आगे, तो वही बनता है इसके रिलेटेड, ओके। तो ये था मेरा किसके बारे में, कनकेव के बारे में। अब बात करते हैं हम कन्वेक्स के बारे में, कन्वेक्स का बड़ा इजी सा केस है, मेनली उसमें 3-4 केस ही बनते हैं। रीज़न क्या है, देखो अब हम बात कर रहे हैं हम कॉन्वेक्स की, ठीक, वही कन्वेक्स लेंगे अब हम। कन्वेक्स का क्या होता है, ये पोर्शन पॉलिश होता है, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस साइड पे होगा, बिकॉज ये सरफेस मेरा पॉलिश्ड है, यही होगा ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा, इधर होगा, तो ना इधर इधर पोल है, ना इधर फोकस है, ना इधर सेंटर है, तो मेनली क्या लेते हैं हम, कहीं भी उसको प्लेस कर देते हैं, लेटर्स में मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक। जब लाइट आई, पैरेलल आई, लाइट क्या आई मेरी, पैरेलल आई, लाइट क्या आ रही है जी, पैरेलल आ गई है, तो किससे पास करनी है, वो पास करनी है फोकस से पास कर गई, ये होगा आपका, ठीक। तो आपकी क्या होगी, फोकस से पास कर गई। सिमिलरली अगर मेरी लाइट यहाँ आई, पोल पे फॉल की, पोल से निकलेगी, यहाँ आई, अब यहाँ ही निकलेगी पोल से ही, तो इसको मैं अगर डॉटेड करूँ तो क्या होगा आपका, मतलब आपकी यहाँ इमेज बननी स्टार्ट हो रही है, आपकी यहाँ इमेज बन गई। अगर इसकी हाइट h1, इसकी हाइट कितनी मेरी h2 है, तो क्या होगा, आपकी हाइट बन गई h1 h2, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी इमेज बनी है वो क्या बन रही है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, प्लस क्या बन रही है, स्मॉल साइज की बन रही है। मैं इसको कहीं भी प्लेस कर दूं, क्या बनेगी वो, स्मॉल साइज की बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट, ये बनेगी आपकी। तो मतलब अगर मैं काफ़ी सब्जेक्ट को दूर लेके जा रहा हूँ, देन नज़दीक लेके आ रहा हूँ, क्या बन रहा है, आपका सेम टाइप बन रहा है। अगर मैं इसको काफ़ी नज़दीक ले आया, लेट अज्यूम मेरा ऑब्जेक्ट क्या आ गया, काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, नज़दीक आ गया, तब भी क्या हो रहा है आपका, चेक कर लिया हूँ, पहले तो क्या मैंने डिस्टेंस दिया था, यही था मेरा डिस्टेंस था, पहले मैं उसको सेंटर में दिया था, अब थोड़ा सा नज़दीक लेके आने लगा हूँ,
चेक कर लेते हैं कि हाँ भी नजदीक लेके आने से मेरा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सेम पोल फोकस सेंटर, अब मैं थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आया जी, ठीक है। तो सेम वही लाइट आई, पता ही लाइट ने पास कहाँ से करना है, फोकस से ही पास करना है, ठीक। सिमिलरली पोल से फॉल की, पोल पे निकल गई, तो लाइट आई लाइट निकल गई। तो फिर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर से आपकी इमेज क्या बन रही है, छोटी सी इमेज ही बन रही है। तो मतलब ऑब्जेक्ट के अगर नजदीक पे तभी क्या हो रहा है आपका, यही चीज बन रहा है। अगर इसको मैं दूर ले जाऊं, अज्यूम मानते हैं मैं इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट को दूर ले गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या होगा, क्या पता मेज का फर्क पड़ जाए हमें, चेक कर लेते हैं। तो वही सेम मेरे पास क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गई, लेट इनफिनिट पे पहुंच गई मेरा ऑब्जेक्ट, एट इनफिनिट पता नहीं कहाँ पे है। तो सेम लाइट आई पैरेलल, पैरेलल आई यहाँ से पास कर गया, तो सेम उसको करूंगा, देखिए बनेगा मेरा। अज्यूम मान ले फिर से यहाँ पे आई, फिर से पास कर गई, तो वही किससे पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी, यही होगा आपका। मतलब आपकी इमेज क्या बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। अगर इसको मैं काफी दूर ले जाऊं तो क्या होगा, आपका थोड़ा साइज डिक्रीज होता जाएगा, इसका साइज साइज थोड़ा सा स्मॉल होता जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो मतलब क्या होगा आपका, पॉइंट साइज इमेज बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ये था मेरा मेनली कन्वेक्स मिरर के बारे में, कि उसकी जो इमेज होती है, मेनली क्या होती है, वो वर्चुअली एक्टिव आ रही बनती है। गॉट इट। अब हम एक टॉपिक करेंगे, आपको जस्ट क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, साइन कन्वेंशंस करेंगे हम, और करेंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में। तो मेनली अब जो आपका साइन कन्वेंशन है वो चीज क्या है, अब हमें पता है कि कई बार क्या होता है, रे कई बार हम लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस को, कई बार लेते हैं हम नेगेटिव लेते हैं। तो क्या चीज है, फर्स्ट हम कर रहे हैं साइन कन्वेंशन, मतलब कब हम इस किसी को पॉजिटिव लेंगे, कब हम किसी को नेगेटिव लेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ वी मेजर, अब क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, इफ वी मेजर द डिस्टेंस अलोंग द रे, अलोंग द रे, देन वी टेक इट एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मेरा, ये एक था मेरा, इससे पहले ये आपका सिर्फ सेकंड पॉइंट बनता है, आपका फर्स्ट पॉइंट मेरे क्या होगा, ऑल डिस्टेंस मेजर मेजर्ड मेयर्ड, ऑल डिस्टेंस मेयर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं जी, पोल से मेजर करेंगे, अगर यहाँ जाना है तब भी, अगर यहाँ जाना है तब भी। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। सेकंड पॉइंट क्या था, अज्यूम क्या डायग्राम में, ये डायग्राम बन रही है, यहाँ आई जी मेरी, लेट अज्यूम यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है, यहाँ पे मेरी इमेज बन गई। हम जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसको सिंपल हम यू यूज करेंगे, सिंपल स्मॉल यू, और जो इमेज है, जो इमेज का डिस्टेंस है उसे हम यूज करेंगे वी के रिलेटेड, ठीक है। अब क्या था, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक डिस्टेंस मानेंगे हम यू मानेंगे, इमेज और पोल से कनेक्शन मानेंगे स्मॉल वी मानेंगे। अब क्या है देखो, अब रे इस डायरेक्शन में जा रही है और हम डिस्टेंस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब आपकी रे कौन से डायरेक्शन में है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही थी, बट हम जो हमारी जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो मेजर करेंगे पोल से, वो मेजर करेंगे राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट, वो राइट टू लेफ्ट, ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, यू भी नेगेटिव हम लेंगे, वी भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर बाय चांस मेरी इमेज यहाँ पे बनती है, अज्यूम मान लेते हैं कि अगर मेरी इमेज क्या होती है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो रे भी इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस भी यहाँ पे है, तो दोनों के सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे वी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव। तभी मैं लिखा है इफ वी मेजर द डिस्टेंस अलोंग द रे, अगर आपका डिस्टेंस भी उधर ही बन रहा है और आपकी रे भी उसी साइड पे जा रही है, तो हम क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या होगा, वो अदरवाइज क्या लेंगे उसको, हम नेगेटिव लेंगे। समझ लग गई आपको, एक बार बताता हूँ फिर से, एक बार समझ लीजिए कि क्या था मेरा, बस ये याद रखना आपने, डिस्टेंस को यू और इमेज को वी। एक मेरा ये केस था,
पोल, फोकस और क्रोचर। यहाँ पे भी इमेज पड़ी थी तो आपकी इमेज कुछ ऐसी बनी थी, ठीक है। तो आपका क्या हुआ था, कुछ ऐसी इमेज बनी थी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पोल से डिस्टेंस यू मानेंगे हम, इमेज यहाँ पे है तो इसको मानेंगे हम वी। रे इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, डिस्टेंस लेना पोल से, पोल से हम इस डायरेक्शन में लेंगे, तो आपका यू और वी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बट अगर कोई ऐसा केस जैसे मेरा के मेरे में लेते हैं हम, ज्यूम मान लेते हैं कि ये आपका पड़ा है पोल, ये पड़ा है फोकस, ये पड़ा है सेंटर। मैं जब यहाँ पे आपकी क्या हुआ था, यहाँ पे लेके हमने क्या था ना, अभी कितने डायग्राम यहाँ रही, यहाँ पे निकल गई पोल से, यहाँ निकल गई तो आपकी इमेज यहाँ पे बन गई। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या पड़ा है, इधर पड़ा है, आपकी इमेज इधर बन रही है। तो देख रहे आप, रे इस डायरेक्शन में है, रे कौन सी डायरेक्शन में है, अब इस डायरेक्शन में है। हम वी भी क्या ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो वी तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट रे इस डायरेक्शन में है, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, तो व्यू का होगा आपका नेगेटिव होगा। ये चीज आपने क्या रखना है, याद रखना है, ये आपका साइन कन्वेंशन का सेकंड पार्ट। सिमिलरली तो एक आपका एक और पॉइंट है, उसमें क्या है, उसमें आपने क्या है, आपको डिस्कस करेंगे हम, सिंपल लास्ट पॉइंट है उसमें क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ऑब नॉट ऑब्जेक्ट, इफ वी मेजर मेयर डिस्टेंस या फिर हाइट, से हाइट इन अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरी, अगर तो हम ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ले रहे हैं तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब जो आपकी हाइट वन है, हाइट ये क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। अगर मैं हाइट नीचे बना रहा हूँ तो वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये क्या आएगी पॉजिटिव, ये क्या आएगी आपकी नेगेटिव। ये था आपका थर्ड साइन कन्वेंशन पॉइंट। तो ये आपके तीन थे, हम डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे। अगर लॉन्ग रे है, डिस्टेंस भी लॉन्ग है तो पॉजिटिव, अगर रे इधर है, डिस्टेंस इधर है तो हम लेंगे नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, अगर उसके ऊपर है इमेज तो पॉजिटिव, इसकी होगी हाइट, उसकी नेगेटिव होगी। ये था आपका साइन कन्वेंशंस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेनली आपके जो फॉर्मूले बनते हैं वो मैं लिख रहा हूँ उस टाइम। तो क्या है वो, फर्स्ट आपका बनता है एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला, इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। फर्स्ट फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है टू टाइम ऑफ फोकल लेंथ। क्या होता है वो, टू टाइम ऑफ फोकल लेंथ, ये फर्स्ट है आपका। सेकेंड मिरर फॉर्मूला, सेकेंड क्या आपका, मिरर फॉर्मूला, वो क्या था, वन बाय वी, वी फॉर इमेज प्लस वन बाय यू कहते होता है इसका टू वन बाय एफ के इक्वल होता है। इसी आखिर आपने वन बाय वी प्लस वन बाय यू कहते हैं वन बाय एफ के इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है अबाउट द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होगा, एकदम सिंबल एम से, स्मॉल एम से, इसका मतलब क्या होता है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ, ज्यादा नेगेटिव ऑफ इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला होता है आपका मेनली मैग्निफिकेशन का। आपको इस बार 10th क्लास में आपको इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रॉपर प्रूफ आपको 12th क्लास में मिलेगा। अगर आपको किसी कंफ्यूजन है तो 12th क्लास के आप वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें क्या होगा, अगर आपने प्रूफ करना है जैसे देखें कि कैसे आया, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर लगता है कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं क्लास 12th की बुक में, ओके। आर इज इक्वल्स टू टू टाइम ऑफ एफ, दिस इज मिरर फार्मूला एंड दिस इज अबाउट द मैग्निफिकेशन फार्मूला। ये तीन फार्मूले जो आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, याद रखना ये न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको यूज होंगे, नॉट इन द 10th क्लास, ऑल्सो इन द 12th क्लास। तो ये आपका एक बेस है। तो हम अब इसके न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट थ्री में, इन द वीडियो पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अब तक सब समझ लग चुका है। अब तक हमने क्या किया है, मिरर पढ़ लिया, ठीक, उसके लॉ पढ़ चुके हैं हम, आज रे डायग्राम होगी आपकी,
और क्या हो गया आपका साइन कन्वेंशन, ये ऑलमोस्ट सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, बस आपका क्या रहता है अब ये न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।